वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो मनोरंजन लाइव। हर साल सैकड़ों फिल्में आती हैं और उन्हें हजारों युवा कलाकार अपने अभिनय से किस्मत आजमाते हैं। कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म राजधानी लखनऊ में भी सजाया गया, जहां पर देश के जाने माने फिल्मकार युवाओं से सीधे मुखातिब होने पहुंचे और बॉलीवुड की उभरती हुई कलाकार अनुप्रिया गोयनका, रीता बहुगुणा जोशी और मुकेश छाबरा से हमारे सहयोगी ने खास बात की। कहते हैं जहाँ चाह हो वहाँ राह भी होती है, और उसी राह को आसान बनाने के लिए नवाबों की नगरी लखनऊ में फिल्म फोरम नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवा कलाकारों ने हिस्सा लिया। एक जमाना था जब यूपी के कलाकारों को वो प्लेटफॉर्म और वो मौका नहीं मिल पाता था कि वो सिनेमा जगत में अपनी पैठ जमा सके, लेकिन अब समय बदल चुका है और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए लखनऊ फिल्म फोरम कार्यक्रम में युवाओं से सीधे संवाद किया गया। That spark of imagination and commitment and hard work is absolutely important in whichever field you are. Or entertainment sector इतना wide sector है कि आज आप कहीं भी चले जाइए talent की कमी नहीं है। और वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया में अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, इस पर उनको सलाह भी दी गई। इस कार्यक्रम में देश के जाने माने फिल्मी कलाकार कहानीकार शिरकत करने पहुंचे, जिसमें चित्रांगदा सिंह, अनुप्रिया गोयनका, गौतम तलवार, मुकेश छाबरा समेत कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। इन लोगों ने युवाओं से उनके मन की बात जानी और उनके सवालों का जवाब दिया। तो वहीं प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिल्म फोरम नाम का जो कार्यक्रम आज हुआ है, कितना ज्यादा कारगर होने वाला है युवाओं के लिए और क्या कुछ उसमें नया सीखने को? रेणुका टंडन जी एक बहुत ही प्रतिभाशाली महिला सोशल वर्कर हैं और इनका एमरिन फाउंडेशन है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन्होंने आज ये लखनऊ फिल्म फोरम प्रारंभ किया है, और ये फोरम का बहुत ही वाइड एंगल है। इसके माध्यम से न केवल जो टैलेंट है उत्तर प्रदेश में वो उभर कर सामने आएगा बॉलीवुड के लिए, एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए, चाहे वो टीवी हो, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ये रोज़गार का माध्यम बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटरटेनमेंट सेक्टर सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। और अगर ये कहा जाए तो इतना उत्तर प्रदेश में हम लोगों के टैलेंट है जिसको मौका नहीं मिल रहा है। और खुशी ये है कि जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उसने जिस प्रकार का फिल्म बंधु के माध्यम से इंसेंटिव्स देने शुरू करे हैं, प्रोत्साहन देना शुरू किया है, उसके वो जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं, बड़े भी हैं, उनको उसने आकर्षित किया है उत्तर प्रदेश की ओर। और आज ही आज की तारीख में 3 फिल्में लखनऊ में जो है उनकी शूटिंग हो रही है, और बरेली की बर्फी से लेकर और नीचे तक बहुत सारी फिल्में उत्तर प्रदेश में फिल्म हुई हैं। तो मैं समझती हूँ कि एक समय में सिर्फ बुंदेलखंड के रवाइंस में या फिर हमारे ताजमहल के आसपास शूटिंग होती थी, अब तो गली गली में शूटिंग हो रही है। तो बहुत बड़ा एक मौका मिल रहा है उत्तर प्रदेश को। ऐसे में अगर इस तरह के फोरम बन जा रहे और अगर ये सक्रिय हो जाए और इसके माध्यम से इनके जो 2-3 प्रयास हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक तो ये कि टैलेंट सर्च, दूसरा है ट्रेनिंग। हर सेक्टर में 71 काम होते हैं एंटरटेनमेंट सेक्टर में, ज़रूरी नहीं कि सबको एक्टर बनना है, पर बाकी भी सेक्टर्स में कैमरे के पीछे से लेकर आपके कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग से लेकर लोकेशन सर्चिंग से लेकर बहुत सारी 71 है, सिनेमाटोग्राफी है, डायरेक्शन है, इन सब के लिए अगर ट्रेनिंग होगी, और ख़ासतौर से ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में इसका कोर्स इंट्रोड्यूस हो, डिग्री कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो, तो ये बहुत आगे जा सकता है। तो मैं भी प्रयास करूँगी इन लोगों से बात करके कि हायर एजुकेशन में बात करके, और अगर इस प्रकार के कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ जोड़े जा सके, डिग्री और डिप्लोमा मिले तो बहुत अच्छा होगा। है पूना में तो है, आपको मालूम है, लेकिन यूपी में भी हो ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो आज बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके साथ यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, और फिर इस पर हम लोग कैसे आगे बढ़ें, मैं इनके सहयोग में खड़ी रहूँगी। जब टैलेंट की भरमार हो और भरपूर मेहनत हो तो राह कितनी भी कठिन हो आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया बॉलीवुड की उभरती हुई कलाकार अनुप्रिया गोयनका ने। टाइगर जिंदा है, वॉर, पद्मावत जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपनी कलाकारी का जौहर दिखा चुकी अनुप्रिया गोयनका भी लखनऊ फिल्म फोरम में शिरकत करने पहुंची और हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अपने करियर से जुड़ी हुई बातें शेयर की।
टाइगर जिंदा है, वॉर और पद्मावत जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुकी अनुप्रिया गोयनका जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लखनऊ फिल्म फोरम नाम के कार्यक्रम में आज शिरकत करने आई। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ में। थैंक यू सो मच। नमस्ते। मैंने जो लखनऊ फिल्म फोरम नाम का कार्यक्रम है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इससे और इससे जो युवाओं को है कितना ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? आई थिंक एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, हम सब बहुत यू नो एक्साइटेड हैं इसके बारे में, एंड वी होप कि दिस विल बी अ ग्रेट मीडियम फॉर ब्रिजिंग द गैप बिटवीन बॉम्बे एंड लखनऊ एंड ऑल द टैलेंट दैट इज़ हियर। वो खाली एक्टिंग में ही नहीं, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में हो, आर्ट में हो, या प्रोडक्शन डिज़ाइन में, या यू नो केटरिंग में, वो बहुत तरह के जॉब्स को यहाँ इंकरेज करेगा। एंड मैं समझती हूँ कि हम जैसे टैलेंट्स को कैसे यहाँ से अपनी बेस को शिफ्ट करके बॉम्बे जाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर वही अब हाँ, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ यहीं बन रही हैं, उनको इस तरह के कैरेक्टर्स भी चाहिए जो यहीं से जुड़े हुए हों, सेटअप अच्छे से समझते हों, विच इज़ गुड फॉर फिल्म मेकिंग ऑल्सो, टू मेक इट मोर रियल, एंड इट इज़ बेटर कि अगर वो यहीं रहे कि उनको काम मिल सके और अपना वो हुनर तराश सकें, तो विच इज़ नथिंग बेटर देन दैट। मैम, एक दौर था जब मुंबई या महाराष्ट्र में या साउथ में फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी एक बदलाव देखने को मिला है कुछ सालों से कि यूपी और बिहार से ज़्यादा फिल्में शूट हो रही हैं, छोटे शहरों से कहानियाँ निकल के आ रही हैं और गली कूचों में फिल्में शूट हो रही हैं और वो कहीं ज़्यादा हिट हो रही हैं, जो कि कम बजट की फिल्में वो कहीं ज़्यादा जो है कारगर साबित हो रही हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा दौर है और ये सच भी है, काफ़ी सारी फिल्म्स जो अभी निकल कर आई हैं वो यहीं की कहानियाँ कहती हैं, जैसे बधाई हो या आर्टिकल 15 हो या बरेली की बर्फी, या बहुत सारी इस तरह की फिल्म्स। एंड ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज़ कि ये स्टोरियाँ काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड रही हैं आई थिंक बहुत टाइम तक, तो फिल्म मेकर्स और राइटर्स उन स्टोरीज़ के साथ बाहर आना चाहते हैं, काफ़ी लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ से बिलोंग करती है, एंड स्टोरीज़ एक बहुत कलरफुल स्टोरीज़ भी हैं, बिकॉज हर तरह के इमोशंस आते हैं, फैमिली वैल्यूज़ भी हैं, एक आगे बढ़ने की जो एक एक इच्छा होती है वो भी उसमें बहुत अच्छे से दर्शाया जाता है, एंड काफ़ी लेयर्ड स्टोरीज़ निकल कर आ रही हैं। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट, दिस इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन टेलीविजन और खासकर सॉरी इंडियन एंटरटेनमेंट, और खासकर क्योंकि वेब भी अब आया है तो हर तरह की स्टोरीज़ बाहर आ रही हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली यूपी और बिहार से आना चाहिए, जो हमारे बाकी भी यू नो स्टेट्स हैं, हमारी खासियत ही इंडिया की ये है कि इतने सारे कल्चर्स और इतने सारे स्टेट्स और लैंग्वेजेस, हर तरह की चीज़ें हैं, तो अगर वो भी हमें भी आपस में एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। नॉर्थ साउथ को इतना नहीं समझता, साउथ नॉर्थ को नहीं समझता, हम ईस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट टाइम कि एंटरटेनमेंट के थ्रू हम सारे लोगों को साथ में लेकर आएँ। मैम, जैसे कि लैंग्वेज की बात की आपने, आपने तेलुगू फिल्मों में भी काम किया है, हिंदी में भी किया है, और एक दौर देखने में इधर आया है कि साउथ के कलाकार बॉलीवुड के फिल्मों में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के साउथ के फिल्मों में जाके काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज का फाउंडेशन था ये ख़त्म हो रहा है और पूरा देश जो है फिल्मों के मामले में एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। दैट इज़ ट्रू, जैसे आपने कहा, entertainment is a great way of bringing people together and cultures together, and language is really it was a barrier but it's now you know dissipating, which is a great thing. Aaj jab main jaake maine Hyderabad mein kaam kiya tha, tab mujhe samajh mein aaya tha ki kitna difference hai Bombay ke culture mein, UP ke culture mein aur ek Hyderabad ke culture mein, and I had come to know about those people and the way of living, and I just felt great to be an Indian ki within a country we have so much diversity and yet we are together. So this is a great opportunity for all of us. मैम, चलते चलते आज लखनऊ आप आई हुई हैं, लखनऊ के बारे में बहुत कुछ है, खाने को बहुत कुछ है, घूमने को बहुत कुछ है और पहनने को बहुत कुछ है। अभी तक आपने क्या कुछ सुना, कितना एक्सप्लोर किया और आगे क्या कुछ करने वाली हैं, यहाँ के लोगों के बारे में प्लीज़ कुछ दो शब्द बोलिए। अब जैसे मैं खुद ही कानपुर की हूँ तो लखनऊ हमारा आना जाना लगा रहता था, लेकिन हाँ कभी रहना नहीं हुआ है एज सच। आई रियली वॉन्ट टू नो दिस सिटी मोर। मुझे मुशायरों का बहुत शौक है, मतलब मैंने कभी लाइव मुशायरा नहीं देखा है, तो मैं वो देखना चाहती हूँ। मुझे बैतबाजी के बारे में पता चला रिसेंटली, तो मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊँ तो मुझे वो देखने का मौका मिले। एंड इस तरह का जो कल्चर है वो शायद लखनऊ जैसी जगह में ही है, उसकी बहुत अपनी खासियत है। खाने में हमने कल कबाब खाए जो बहुत ही अच्छे थे, गुलावटी कबाब, हम सब जाके साथ में हमने इन्जॉय किया था उनको। एंड यहाँ के जो आपने जैसे क्लोथिंग कहा था, वो तो हम लोग बहुत टाइम से जो चिकन करी है यहाँ की, वो बहुत फेमस है। सो या इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, एंड मैं बस ये चाहती हूँ कि जो यहाँ की कल्चर है वो अलाइव रहे, वो जाए ना, तो यही रिक्वेस्ट है। अगर उर्दू जैसी बहुत ही खूबसूरत जबान है वो रहे,
उसको रखा जाए उस कल्चर को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बॉलीवुड की धुरंधर कलाकार एक्ट्रेस अनुप्रिया गोयनका जी ने हमसे अपनी बातें शेयर की, जो कि लखनऊ फिल्म फोरम से जुड़े हुए कार्यक्रम को लेकर लखनऊ आई थी। उनका कहना है कि जो कल्चर है वो सिर्फ एक जगह ना रहे, पूरे देश में उसको फैलना चाहिए। कैमरा सन अंकित तिवारी के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे लखनऊ। टैलेंट कितना भी हो लेकिन उसे परखने वाला सही उस्ताद ना मिले तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। कुछ ऐसा ही काम करते हैं देश के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, जिन्होंने यूपी के उभरते हुए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका दिया है और छुपे हुए कलाकारों को भी फिल्मी जगत में प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब कलाकारों को सिर्फ मुंबई भगाने की जरूरत नहीं, हम खुद उन तक आए हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए। बॉलीवुड के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज लखनऊ आए हुए हैं, लखनऊ फिल्म फोरम नाम के कार्यक्रम में शिरकत की आपने, क्या कुछ युवाओं को टिप्स दिए आपने? मैंने युवाओं को ये बोला कि जिस तरह की ऑनेस्टी के साथ लोग बम्बई में एक्टर काम करते हैं, आप भी उसी सिद्धत के यहाँ पे लगे रहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना टैलेंट है, इतने लोग हैं यहाँ पर, और आप अपने अपने ऊपर काम कीजिए, अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए। तो मैंने सब लोगों को बताया। सर, जो युवा हैं जो निकल के आ रहे हैं फिल्मों में काम करना चाहते हैं, क्या कुछ उनके अंदर आप देखना चाहते हैं कि वो एक बेहतर कलाकार बने और किस तरीके से कास्टिंग करते हैं? आई थिंक मैं ऑनेस्टी को सबसे इम्पोर्टेंट देखता हूँ, और मैं कास्टिंग करता हूँ मेरा कैरेक्टर जो है, मैं जिस तरह के कैरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ सब कैरेक्टर यहाँ पर मिलते हैं, वो कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे हैं वो वैसे रहें, अपने इनर स्ट्रेंथ को अपने अंदर वाले एक्टर को जागरूक रखें, उसको ग्रूम करते रहें। सर, एरिया वाइज अगर कलाकारों की बात करें, लखनऊ के युवाओं की बात करें, उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के जो युवा हैं, क्या कुछ एनर्जी में डिफरेंस होता है या क्या कुछ आप उसमें देखते हैं कि वो निकल? यूपी के जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो डायलेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो फिल्मों में बहुत ही यू नो अपनापन सा लगता है, उसके अंदर एक एक तहजीब है, एक एक तरह का डायलेक्ट है जो बहुत पसंद आता है। आई थिंक इस वजह से जो लखनऊ की फिल्में होते हैं, उत्तर प्रदेश की फिल्में होती हैं, हमको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो जो लहजा है बात करने का वो बहुत कमाल है। जो देसीपना है लखनऊ कानपुर की भाषा में, आजकल बॉलीवुड की फिल्में जो है उसी भाषा की वजह से ही हिट हो रही है। उसी भाषा की वजह से हिट हो रही है, वो कलाकार जिस भाषा में बात करते हैं तो लगता है कि एक्टिंग कर रहा है, आधा काम तो उसकी भाषा ही कर देती है, तो वो भाषा हमको नेचुरल, क्योंकि वो किसी को सिखा नहीं सकते हैं। अगर हम बॉम्बे में कास्टिंग करते हो, भाषा किसी को सिखा नहीं सकते, अगर आप उस बेल्ट से बिलोंग करते हो तो वो नेचुरली आपके अंदर आता है। क्या कुछ युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, आखिरी सवाल आप? मैं चाहता हूँ कि बस अपने अपने में भरोसा रखिए, बॉम्बे आने की जरूरत नहीं है, हम आप तक पहुँच गए हैं, लखनऊ में आ रहे हैं तो लखनऊ में ही रहिए, हम सारा टैलेंट यहीं से लेके जाएंगे और यहीं पर कास्टिंग करेंगे, यहीं पर शूटिंग करेंगे। बहुत आराम से बात करेंगे। तो कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा जी जो कि आज लखनऊ आए हुए हैं, उनका युवाओं को साफ तौर पर संदेश देना चाहते हैं कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, हम लखनऊ आ चुके हैं और लखनऊ आके आपको यहीं से काम जरूर दिलवाएंगे। कैमरा सन अंकित तिवारी के साथ मयूर शुक्ला, लाइव।